दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सुपर किलर 25 जो कि धानुका कंपनी का आता है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी फसलों में आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, परफेक्ट डोज क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहे। तो धानुका कंपनी का सुपर किलर 25 नाम से जो इंसेक्टिसाइड आता है, इसका केमिकल कंपोजिशन आता है साइपरमेथ्रिन 25% इसी फॉर्म में ये आता है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। यह सिंथेटिक पायरेथ्रियोड ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। अब अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मोड ऑफ एक्शन है दोस्तों नॉन सिस्टमिक कॉन्टेक्ट स्टमक एक्शन पे आधारित है, यानी कि आपने इसका स्प्रे किया एक इंसेक्ट से दूसरे इंसेक्ट में फैलता है। ये इंसेक्ट पे आपने स्प्रे किया, ये इंसेक्ट जिन जिन के भी टच में आएगा, संपर्क में आएगा, उनमें भी ये फैलता है और उनके स्टमक पे अटैक करके इंसेक्ट को किल करता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत ही अच्छा है। अगर फसलों की बात करें कि इसको कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं, तो सब्जी वर्गीय सभी प्रकार की फसलें जैसे स्पेशली टमाटर, भिंडी, बैंगन, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, उसके अलावा और भी सभी फसलों में यूज किया जाता है। उसके साथ ही गन्ना, कपास, धान, मक्का, इनमें भी यूज किया जाता है बागवानी में, और फूल वर्गीय फसलों में भी इसका यूज किया जाता है। इंसेक्ट की बात करें कि यह कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, तो शूट बोरर, फ्रूट बोरर जो कि बैंगन में बहुत ज्यादा समस्या आती है, शूट बोरर की भी समस्या धान में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और फ्रूट बोरर की टमाटर वगैरह है और भी बहुत सारी फसलों में आती है, तो शूट बोरर फ्रूट बोरर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। एफिड्स, जेसिड्स, थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ ही बॉलवर्म्स यानी कि कपास में सुंडी जिसे कहते हैं, कपास की सुंडी, उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। गोभी में डायमंड बैक मोथ की समस्या बहुत ज्यादा आती है, उसको भी कंट्रोल करता है, और साथ ही हेमिपेटर या और भी बहुत तरीके के इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों 500 ml की बोतल पे MRP है ये 421 रुपए, और 350 से 400 रुपए के समथिंग ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अब दोस्तों परफेक्ट डोज क्या होनी चाहिए, इसका 10 ml, सिर्फ 10 ml डालेंगे, जो 15-16 लीटर का टैंक आता है उसमें सिर्फ आप 10 ml यूज करेंगे और अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे। इसके साथ में आप सिलिकॉन चिप को ले सकते हैं, और एक एकड़ के लिए आप दोस्तों 100 ml से 120 ml ही यूज करेंगे, इससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। इसकी डोज बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से यूज करनी है। विशेष सावधानी के तौर पे किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप या तो अर्ली मॉर्निंग करेंगे या लेट इवनिंग में करेंगे, सुबह शाम ही करेंगे, दिन में स्प्रे नहीं करेंगे, नहीं तो फसल के पत्ते जल जाएंगे, बहुत तरीके के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे से पहले फसल में नमी होना बहुत ही आवश्यक है। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।